हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले ही पल्सर 135 के काउंटर ट्यूनिंग पे एक वीडियो अपलोड किया था। तो ये जो वीडियो है, ये मैं उसकी फीडबैक रिपोर्ट के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने तरीका बताया था, जो प्रोसीजर बताया था काउंटर ट्यूनिंग का, तो वो ओरिजिनल जो सेटिंग होती है, कंपनी जिस तरीके से ओरिजिनल सेटिंग रखती है, तो उसके मुकाबले कैसा है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं कंपैरिजन के लिए दो स्पार्क प्लग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें एक जो स्पार्क प्लग ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरी बाइक का है, पल्सर 135 का, और जो नीचे वाला स्पार्क प्लग है, ये एक स्कूटर का है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसमें ट्यूनिंग की है, वो बिल्कुल परफेक्ट जैसा फैक्ट्री सेटिंग होती है, उसी तरीके की आ गई है। उस वीडियो में मैं जो हूँ, आपको क्लियरली नहीं दिखा पाया था कि दिन की रोशनी में जो है वो कार्बन कैसा आता है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि जो उसका सेंटर इलेक्ट्रोड है, वो वाइट कलर का है, और जो किनारे पे आप देख रहे हैं, इसमें ब्राउन कार्बन है, डार्क चॉकलेटी ब्राउन कार्बन। ठीक है, तो ऐसी ही ट्यूनिंग होती है ओरिजिनल। ठीक है गाइस, और बाकी इसमें न्यू स्पार्क प्लग मैंने लगाया है, जो पुराना वाला स्पार्क प्लग थे वो अपनी लाइफ पूरी कर गए। ठीक है, स्पार्क प्लग जब भी ख़राब हो जाता है, तो उसकी सबसे बढ़िया पहचान क्या है कि साइलेंसर से आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो ऐसे केस में स्पार्क प्लग चेंज कर दिया जाता है। और आपको 10 से 15 हज़ार किलोमीटर तक स्पार्क प्लग चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो आपको भी माइलेज की नहीं मिलेगा। ठीक गाइस, फिर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं इसमें स्पार्क प्लग में, कि इसमें वॉशर मैंने जो है निकाल रखा है, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ इस प्रॉब्लम के ऊपर, कि जो लोग स्पार्क प्लग अडाप्टर लगवाते हैं अपनी बाइक में, तो उनकी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम रहती है कंप्रेशन लीकेज की। हल्का हल्का कंप्रेशन जो है वो लीक करता है स्पार्क प्लग के एरिया से, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से हो, वो उसमें कंप्रेशन लीक की प्रॉब्लम रहती, तो इसकी वजह से भी माइलेज नहीं ठीक से मिलता है। तो मैंने ये वॉशर निकाल दिया है इन नए वाले स्पार्क प्लग्स का। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नए वाले स्पार्क प्लग्स आ रहे हैं बजाज के ओरिजिनल, इसमें जो है अलग तरीके के वॉशर्स आ रहे हैं। जैसे आपने NGK के जो हाई परफॉर्मेंस वाले स्पार्क प्लग्स देखे होंगे, तो उसमें इस टाइप के वॉशर्स आते हैं। ठीक है, तो अब वो बजाज में भी इस टाइप के आने लग गए, और उसका प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ गया है पहले से। ठीक है, लेकिन ये मेरी गाड़ी में जो है, ये वाले वॉशर भी काम नहीं कर पाए सही, क्योंकि मेरी गाड़ी में जो स्पार्क प्लग अडाप्टर लगा है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, उसमें डीप स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, तो इसी वजह से कंप्रेशन लीक जो है वो रुक नहीं रही थी। और ये वाले जो वॉशर्स हैं, ये इसी एरिया के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। ये सरफेस जो एरिया ख़राब होता है जिन गाड़ियों में, उसी के हिसाब से ये वॉशर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको माइलेज पाना है, तो आपको जो है इंजन को भी देखना होगा, इंजन में कहीं से कोई लीक नहीं होनी चाहिए। जैसे ये कम स्पार्क प्लग की तरफ से लीक होती है, ठीक है, और कार्बोरेटर की जो ये होज आपको दिख रही है, ये होज और ये इनलेट मैनिफोल्ड, यहाँ से अगर लीक आ रही है, तो आपको ये समझ लीजिए कि माइलेज कभी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इस समय माइलेज जो है बाइक का, वो 60+ मिल रहा है हाईवे पे, और जो ट्यूनिंग आई थी वो मैंने आपको दिखाया था कि 3.5 टर्न्स से थोड़ा सा, मतलब 3.5 टर्न्स के आसपास सेटिंग थी। तो जहाँ पर भी आपको आइडलिंग जो है, वो सबसे हाईएस्ट आइडलिंग जहाँ पर आपको मिल जाए, बस उसी पॉइंट पे आपको छोड़ देना है जो मिक्सर स्क्रू होता है। ठीक है, तो आपको भी सही सेटिंग मिल जाएगी।